अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं माय होम फूड और आज हम बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे। और आप लोग अगर इस चिकन फ्राइड राइस को एक बार खाएंगे तो आप लोग हर बार घर में ही बनाएंगे, रेस्टोरेंट से कभी भी नहीं मंगाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इस फ्राइड राइस को हम बासमती चावल से बनाएंगे। यहाँ पे मैंने एक ग्लास बासमती चावल लिया है जिसे मैंने एक बार अच्छी तरह से धो लिया है। फिर एक ग्लास पानी में इसे हम सोक करने के लिए रख देंगे। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ तैयारी करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल में दो अंडे को थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से फेंट के साइड में रख लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन लिया है 250 ग्राम के जितना। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा व्हाइट विनेगर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून के जितना। इसे हम मिक्स करेंगे। इसे भी साइड में हम रख लेंगे। ये दोनों तैयारी आप लोग पहले से ही करके रखें। फिर फ्राइड राइस में डालने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ चॉप किया है, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स, शिमला मिर्च, लहसुन और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अभी फ्राइड राइस के लिए हम चावल को तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी को पहले से ही बॉयल करने के लिए रख दिया है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर सोक किया हुआ चावल को हम डाल देंगे। फिर इसमें हम उबाल आने देंगे। ये देखिए यहाँ पे चावल जो है उबल गया है। एक चावल को हम लेके चेक कर लेंगे ये कितना पका है। इसको हमें 90% कुक करना है। चावल हमारा पक गया है, इसको हमें छान लेना है। इसको मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से छान लिया है। छान के मैंने एक प्लेट में फैला दिया है ताकि इसमें हीट ना बने और राइस जो है ओवर कुक ना हो जाए। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम कर लिया है। कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल गरम होने पर मैंने यहाँ पे रेडी किया हुआ अंडे को डाल देंगे। इसे हम फ्राई कर लेंगे इस तरह से। आप लोग चाहे तो बासमती चावल के जगह नॉर्मल जो चावल हम लोग घर पे खाते हैं उस चावल से भी इसे बना सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसे लेफ्ट ओवर राइस से भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अंडे को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। फिर उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल और डाला है चिकन फ्राई करने के लिए। तेल गर्म होने पर मैंने सारे चिकन के पीसेस को डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए चिकन भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन और अंडे को हम साइड में रखेंगे और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन को पहले डाल देंगे। यहाँ पे जो लहसुन को है ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा सॉटे करना है। फिर यहाँ पे मैंने सारे सब्जियों को डाल दिया है, सिर्फ स्प्रिंग अनियन को नहीं डाला है, उसको हम लास्ट में डालेंगे। यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसे हमें कुछ सेकंड के लिए सॉटे करना है। इस फ्राइड राइस को हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे और इसमें हम अभी नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो सब्जियाँ जो है सॉफ्ट हो जाएगा और सब्जियाँ हमें क्रंची चाहिए। फिर इसमें हम फ्राई किया हुआ चिकन और अंडे को डाल देंगे। इसे भी हम मिक्स करेंगे। फिर इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा विनेगर 1 टेबल स्पून के जितना और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम रेडी किया हुआ चावल को डाल देंगे। रेस्टोरेंट में जो फ्राइड राइस बनते हैं वो बहुत बड़ी कढ़ाई पे बनते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हीट होते हैं, पर हमारे घर में जो है गैस में हम इस तरह से अगर फ्राइड राइस को बनाएंगे तो वो भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी हमें ज़्यादा इसमें करछी नहीं चलाना है, एक बार हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। फिर कढ़ाई को इस तरह से पकड़ के हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। फिर लास्ट में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और लास्ट में थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन को ऊपर से डाल देंगे। इसे हम एक बार मिक्स करेंगे हल्के हाथों से, नहीं तो चावल जो है टूट सकते हैं। हमारा फ्राइड राइस ऑलमोस्ट रेडी है। फ्लेम को अभी हम बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। रेस्टोरेंट में फ्राइड राइस का टेस्ट बढ़ाने के लिए अजीनामोटो यूज़ करते हैं, पर अजीनामोटो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं करा है। तो चलिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। आप लोग इस तरह से फ्राइड राइस को ज़रूर ट्राई करें, आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नया रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।